वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू आस, लेट्स कमेंस टुडेस क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और हमारे कुछ साथी जुड़ चुके हैं, सभी साथियों के एक बार नाम ले लेते हैं। हमारे बीच में हैं वीके रावत, जितेंद्र कुमार, कीर्ति शुक्ला एंड अदर्स। तो चलिए फिर आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और आज है टारगेट सीरीज 06, यानी कि टारगेट सीरीज 6 नंबर। हम लोग इसके पहले 5 सीरीज कर चुके हैं। यदि आप ये सभी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 बैच में और इन सभी सीरीज को एक साथ देख सकते हैं जो प्रीवियस आपकी सीरीज छूटी हुई है। डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप यदि अभी तक हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, अनूप सिंह आ चुके हैं, हमारे बीच में राम विलास जी हैं, कंचन जी हैं, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे पीडीएफ और साथ ही साथ आप पाएंगे फ्री मॉक टेस्ट। जैसे आज है सैटरडे, आज आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। एवरी सैटरडे आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू किया जाए। एक बार सभी साथियों के नाम ले लेते हैं। प्रमोद कुमार राज, इंग्लिश टीचर, कंचन वर्मा, वेरी गुड इवनिंग, मंजू शर्मा, अंजलि श्रीवास्तव, कल्पना यादव, नितिन वाजपेयी एंड अदर्श। जो भी साथी हमारे जुड़े हैं वो ये जाने कि सैटरडे हमारा स्पेशल रहता है और सैटरडे को हम लेकर के आते हैं आपके लिए स्पेशल वैकैब। और ये स्पेशल जो वैकैब होता है ये हमारा आरएस अग्रवाल से है। और आरएस अग्रवाल आप सभी जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जहां से डायरेक्टली ऑप्शन के सहित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी प्यारे साथियों को पढ़ना है। इस सेशन में जो भी साथी जुड़े हुए हैं जोरदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर कर दें, तभी इस सेशन का मजा आएगा। वेलकम बैक। तो चलिए आज जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों का जो वैकैब स्पेशल होता है, उस वैकैब स्पेशल के तहत कुछ वर्ड्स आपको पहले सिखा देता हूं और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। माय डियर, आज का हमारा पहला वर्ड है हेल। और हेल का मतलब होता है एज अ वर्ब वेलकम। क्या मतलब होता है? वेलकम। ओके, सो आई हेल यू। और एक बार सभी लोग फूल पत्ती के साथ आई हेल यू लिखें और इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में सेव कर लें, इस माइंड की डिक्शनरी में। आई हेल यू ऑल एट यूआस। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लिखें आई हेल यू फूल पत्ती के साथ और मजा आने वाला है। वेलकम। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। माय डियर, बताएं आप लोग। यस, आई हेल यू सर। थैंक यू कंचन जी। और इसी के साथ हमारे प्यारे साथी, हमारे ऐसे एस्पायरेंट जो इस फोर्थ कमिंग उत्तर प्रदेश की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी में एक पोस्ट अपना इंश्योर करना चाहते हैं, उन सभी प्यारे साथियों के लिए ये सीरीज है, ये प्रैक्टिस बैच है। लेट्स कमेंस। पहला क्वेश्चन वैकअप से है और वह क्वेश्चन है सिनोनिम से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और देखते हैं सबसे तेज कौन आंसर करता है। भाई सैटरडे है ना, एकदम पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा के जवाब देना। और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। फाइंड आउट द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। साइट। साइट का सिनोनिम बताना है आप सभी प्यारे साथियों। मैं तब तक यहां पर कुछ रिप्लाई करता हूं। साइट का मतलब होता है माय डियर जिक्र करना, जिक्र करना। और जिक्र करने का मतलब है कोई चीज उद्धृत करना। और उद्धृत करने का मतलब इंग्लिश में होता है क्वेट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट आंसर। क्या जी, डी लगा रहे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रश्मि जी, कंचन एंड अदर्स, राम विलास। थोड़ा सा इसको स्टैंड मोड पे और करता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे, है ना। ये आपका सिस्टम आज भी सही नहीं है, कट कट के चल रहा है कमेंट। इसको चेक कर लीजिएगा, आज भी कमेंट सही नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बैंडिट। ऑप्शंस कन्विक्ट, रॉबर, थीव, कट थ्रोट। क्या लिखा हुआ है? नमस्ते।
ये जो है गलती से हो गया है। चलिए तेजी से रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करेंगे माय डियर, सभी प्यारे साथी रिप्लाई करेंगे, सभी प्यारे साथी तेजी से रिप्लाई करेंगे तभी मजा आएगा। और हमारे बीच में रश्मि जी, अंकु जी, हाँ एकदम सही जवाब है। और बैंडिट का मतलब लुटेरा होता है, तो क्या आप रॉबर के साथ जाओगे या चीफ के साथ, मुझे ये बताओ। दो लोग रॉबर के साथ जा रहे हैं, बी आंसर वाले एकदम सही है, एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड। मेली एकदम नया वर्ड है, प्रिमिटिव डांस, काइंडनेस, सिंपल सॉन्ग और ब्राउड। रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर थ्री में, मेली का मतलब क्या होता है, देखता हूं किसका जवाब सही आ रहा है। नंबर थ्री में डी के साथ जा रहे हैं अनम और अंजलि जा रही हैं ए के साथ, और प्रदीप सी के साथ जा रहे हैं, अंजना रानी ए के साथ जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपको मेली सुनकर के बेली डांस याद आ गया होगा, है ना, बेली डांस। मेली मतलब होता है झगड़ा, समझ रहे हो ना, मेली का मतलब झगड़ा होता है, ब्राउड मींस झगड़ा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, जिनका सही हुआ करे। नो अंजना, प्रिमिटिव डांस नहीं होता यहाँ पर, ब्राउड होगा डांस भी, देखो अंजना ने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ऑगर हील हर्ट सिग्निफाई रिफॉर्म। ऑगर का मीनिंग यदि आप जानते हो माय डियर तो आप सही जाओगे, है ना। जिन साथियों का सही है वो चीयर अप करें, और जिनका गलत हुआ करें वो थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा सॉरी फिगर भी भेज सकते हैं। तेजी से रिप्लाई करें माय डियर, क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑगर सिग्निफाई बता रहे हैं, सी यानी कि ऑगर का मतलब होता है शुभ और अशुभ का विचार करना, यानी संकेत देना है? महिलाओं का यदि बायां अंग फड़कने लगे तो समझो कि टीजीटी में सिलेक्शन पक्का है, है कि नहीं। तो ये पक्की बात है कि यहाँ पर आपको लगाना क्या है, सिग्निफाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, रेक्लेंट ऑप्शंस, रेडी, विलिंग, हेजिटेटिंग, इंक्लिंट। रेक्लेंट मतलब क्या होता है, चलिए रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करेंगे, इसी आंसर कुछ लोग लगा रहे हैं। हाँ, रेक्लेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, और अनिच्छुक से आप कह सकते हो कि जो विलिंग नहीं है, हेजिटेटिंग है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, डेयरिंग, बोल्ड, रैश, करेजियस। रिप्लाई करें तेजी से, रेकलेस डेयरिंग है या रैश है, बताएंगे। सिक्स नंबर में दीपेंद्र कुमार जी डी लगा रहे हैं, और रवि ट्यूटोरियल सी के साथ हैं, अनम जी सी के साथ हैं, और अनूप सिंह सी के साथ हैं। अनूप जी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, सबसे टॉप थ्री में आंसर आना चाहिए आप लोगों का, है ना, आज सूर्यवंशी नहीं है, है ना। तो देखो माय डियर, रैकलेस का मतलब होता है उतावला, यानी रैश हो जाएगा, है ना, रैश हो जाएगा। अनिल जी वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैं एकदम देखता हूं कि किनके आंसर तेज आ रहे हैं, जिसका नाम ना पढ़ पाऊं थोड़ा सिंबल बना दे, गुलाब गुलाब के फूल भेज दे तो मैं तुरंत उसका नाम पढ़ देता हूं। कैटापुल्ट, रेस्टेन, कंट्रोल, कंटेन, शूट। चलिए भाई सेवन नंबर, देखिए कैटापुल्ट क्या होता है, जो गुलेल आपने कभी अगर चलाई हो, है ना, गुलेल कभी अगर चलाए हो तो वही होता है कैटापुल्ट। उससे गुलेल से क्या करते हो, मारते हो ना, यानी कि शूट इज द राइट आंसर। तो इस तरफ आओ, तुम्हारा यहां प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, म्यूटेशन, वेरिएशन, डिस्प्ले, सीवरेंस, साइलेंस। म्यूटेशन बताएंगे, ये COVID-19, बस इसको बंद करेंगे, ये COVID-19 का जो वायरस है ना, ये बड़ा म्यूटेट करता है, क्या करता है,
बहुत म्यूटेट करता है, इसलिए हम कह देते हैं कि इसमें म्यूटेशन बहुत हो रहा है। लो जी, कुछ लोग साइलेंस लगा रहे हैं, कहां जा रहे हो? म्यूटेशन मतलब परिवर्तन होता है। अब बताओ सही ऑप्शन, जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ म्यूटेशन का मतलब परिवर्तन होता है, माय डियर। क्या लगाओगे? अब इतना गलत यदि करोगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, और यदि हम नाराज हो गए तो फिर ठीक नहीं है आपके लिए। मेलोडी ऑफ लाइफ, थैंक यू। देखिए मेलोडी ऑफ लाइफ आ चुके हैं और अब आपको जरूर सही आंसर करना चाहिए। वेरिएशन, इन्होंने आते ही करेक्ट आंसर दिया है। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस इन फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8-9। ब्रूक इंडल्ज सब टॉलरेट टेस्ट। ये ब्रूक डबल पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। जब यह एज अ वर्ब काम करता है तो इसका मतलब होता है सहना, और यही जब एज अ नाउन आता है तो इसका मतलब होता है छोटी छोटी नदी। इसी का मतलब छोटी नदी हो जाता है। तो यहां पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्फर करोगे कि क्या लगाना है, है ना? एकदम एकदम तेजी से रिप्लाई करेंगे, माय डियर, तेजी से रिप्लाई करेंगे। और यहां पर टॉलरेट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? टॉलरेट हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। सी के साथ जा रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंस ऑब्लिगेशन रेस्पेक्ट पोस्टपोनमेंट प्राइड। जो बच्चा जल्दी जल्दी में आंसर देगा मुझे पता है वो क्या लगाएगा, और जो सही पढ़ के लगाया है वो भी पता है मुझे क्या लगाएगा। देखो जल्दी जल्दी में आंसर कौन दिया, थोड़ा रोक लेता हूं। हमारे जल्दी में आंसर देने वाले हैं अजरा नहीं कीर्ति शुक्ला, और फिर तो कहना ये माशाल्लाह। तो जल्दी में आंसर देगा वो सी लगाएगा, डिफरेंस, है ना? ये बड़ा एक अजीब प्रकार का शब्द है, डेफर और डिफरेंस। यहां रेस्पेक्ट और पोस्टपोन में युगों युगों से कंफ्यूजन होता रहा है, है ना? अब आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। तेजी से रिप्लाई करेंगे सभी साथी, तेजी से रिप्लाई करेंगे, माय डियर। आपका आंसर तेज आना चाहिए, थोड़ा सा तेजी से रिप्लाई करें सभी लोग, तेजी से रिप्लाई करिए, एक्शन फास्ट होना चाहिए। फाइनल करो कि क्या आंसर लगाया जाए, क्या लगाया जाए। यस, एकदम रेस्पेक्ट, वेरी गुड। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, माय डियर? करेक्ट आंसर होगा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। यहाँ पर रेस्पेक्ट इज द राइट आंसर, और इस डिफरेंस का अर्थ क्या है? सम्मान ही है। जिस डिफर का अर्थ टालना होता है उसकी स्पेलिंग आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। हुड विंक, हुड ये होती है ऊपर का पार्ट, और विंक जानते हो, डिसीव स्टैब प्रिफर कोलाइड। डिसीव धोखा देना, स्टैब भोंकना, प्रिफर ज्यादा पसंद करना, कोलाइड मींस होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। कोलाइड के बाद क्या लगाते हो? विद लगाते हो, राइट? अब देखो हुड ये होती है और विंक मतलब होता है टू गिव हिंट बाय आई, आंख से इशारा करना। और जब आदमी कभी कभी किसी को धोखा देना चाहता, दो लोग हैं, आंख से इशारा दिया, हाँ काम तमाम कर दो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिसीव। क्या सही जा रहे हो आप लोग कि नहीं? देखें, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, वेल डन। अब बहुत अच्छा जा रहे हो, वेल डन, सुपर सुपर, शाबाश। मेलोडी ऑफ लाइफ एंड रिंपल यादव, हाँ रिंपल यादव जी का जो अभी प्रीवियस कमेंट मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमारी कंपैरिजन है ना सुपरस्टार से इन्होंने कर दी। तो देखिए, सोजल्ड बर्ट कल्चर्ड ड्रंक मॉडरेट। सोजल्ड का मतलब एकदम होता है टल्ली हो गया, मैं तो टल्ली हो गया। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो। देखिए लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। लाइक तो कम से कम कर दो, शेयर करने का टाइम नहीं है, बाद में कर देना।
तो यहाँ पर मतलब शॉजल्ट मतलब जो एकदम टल्ली हो जाता है, बारात रात में देखते हो ना जो मैरिज पार्टी में लोग जाते हैं, फ्री की मिल जाती है, पी करके एकदम डांस करते हैं मस्त तरीके से, तो शॉजल्ट का मतलब ड्रंक होता है, नशे में एकदम धुत। सी इज द राइट आंसर। एक पैक कर दीजिएगा, पिन कर दीजिएगा मैसेज, तो देखते रहेंगे। चलिए देखें, वराइल बोस्टफुल मैनली पॉम्पस ऑथेंटिक। चलिए, वराइल का मतलब वो है जिसमें पुरुषों के गुण ज्यादा हो, कुछ महिलाओं के गुण होते हैं, कुछ पुरुषों के होते हैं, तो वराइल मतलब पौरुष संबंधी, तो क्या आंसर बनेगा, बी हो जाएगा, मैनली। बहुत अच्छा अनूप सिंह, प्रमोद जी एंड अदर्स। रोटंट स्टाउट राउंड रेजोनेंट गाइडेड। रोटंट मतलब गोल मटोल टाइप का होता है, राउंड, बी इज द राइट आंसर। निम्बल, हमारे प्यारे साथी जो आज वर्ड पावर की क्लास में थे वो बता सकते हैं कि निम्बल का मतलब क्या है। अजाइल क्लीन सॉफ्ट डेडिकेट। निम्बल मतलब होता है एक्टिव फुर्तीला, तो यहां पर अजाइल हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऑफल टेंडेंसी इज सैक्रिफाइस रिफ्यूज पॉइजन। तेजी से रिप्लाई करेंगे, ऑफल मतलब कूड़ा करकट। अब बताओ क्या लगाओगे। हाँ, अभी तक 16 नंबर में किसी का आंसर नहीं आया। सी के साथ कीर्ति शुक्ला जा रही है, वेरी गुड कीर्ति जी। अंजना, ये आपके सुमन रानी जी ए के साथ हैं, नो जी। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा, रिफ्यूज। ऑफल मतलब होता है कूड़ा करकट। क्या होता है कूड़ा करकट, तो आप समझ सकते हो कि कूड़ा करकट कैसा नेगेटिव वर्ड है। रिफ्यूज, जिन चीजों को हम त्याग देते हैं, वो ऑफल ही तो है। हेल्म, एट द हेल्म, ये एक फ्रेज भी इसी से बना है। कॉर्नर, हैंडल, हेड, एज। अब देखो ये हेल्म अगर डिक्शनरी में भी देखोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो। एक्चुअल में हेल्म के दो अर्थ होते हैं। पहला मीनिंग हेल्म का होता है, जैसे जो तलवार देखे हो ना उसकी जो मूठ होती है उसे हेल्म कहा जाता है। लेकिन जो रियल मीनिंग इसका होता है, एक फ्रेज है टू बी एट द हेल्म। क्या है? टू बी एट द हेल्म, और इसका मतलब है कि टू बी द टू बिकम द हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हेड का एग्जैक्ट मीनिंग माना जाता है मुखिया, हेड। कितने लोग जा रहे हैं सही, बहुत अच्छे भाई। सुमन और दिलीप कुमार, सूर्यवंशी आ चुके हैं आपके बीच हैं? लक्ष्मी त्रिपाठी, बहुत अच्छे, मेलोडी ऑफ लाइफ। रिंपल यादव, वेल डन। साइमा सिद्दीकी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ऑकल्ट मिस्टीरियस हार्मलेस डेडफुल अमेजिंग। ऑकल्ट मतलब क्या होता है? जो चीजें रहस्य से भरी हुई हैं। अब देर नहीं लगनी चाहिए, ऑकल्ट मतलब रहस्यमय हो गया, तो यहां पर मिस्टीरियस इज द राइट आंसर। अब देखेंगे ए के साथ कितने लोग जा रहे हैं। 18 में जो बी लगा रहे हैं वो तो गयो काम से, ए जो लगा रहे हैं अच्छे हैं, जितेंद्र जी हैं, अंजलि हैं और भी तमाम साथी। अब पहले से आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। लीजिए, पेंडर इनकरेज विद होल्ड रेकमेंड विद ड्रा। आप सभी लोग रिप्लाई करें, इट्स योर टाइम, सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 19 में, माय डियर यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। आप सभी प्यारे साथियों को एक ही मेरी एडवाइस है कि आप लोग तेजी से रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करें। और है क्वेश्चन क्या है, पेंडर। देखिए हमारे कुछ प्यारे साथी सी लगा रहे हैं, कुछ ए लगा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, है ना। पेंडर मतलब होता है बढ़ावा देना, खास तौर से किसी गलत काम को बढ़ावा देने के लिए पेंडर आता है, तो यहां पर इनकरेज ही लगेगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मॉडिश अडॉर्न
सेंटिमेंटल, स्टाइलिश, वैसिलेटिव। तेजी से रिप्लाई करेंगे और मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन आंसर करता है 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर में आंसर आना चाहिए। अनम जी ने सी आंसर लगा दिया है और अनूप सिंह, उसके बाद कीर्ति शुक्ला। भाई कीर्ति जी ने बी लगाया है, क्या अनुभव जी क्या लिख रहे हैं देखें थोड़ा। डियर फ्रेंड्स, अच्छा इको गार्डन के विषय में लिख रहे हैं भाई, इंक्रीज करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना, आप तेजी से रिप्लाई करिएगा माय डियर, मजा आएगा। आप सभी लोग बताएं कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। मॉडिश वर्ड है आपके सामने और इसका मतलब है शिष्ट रीति के अनुकूल। अब जो अच्छी रीति के अनुकूल है उसे आप क्या कहोगे, स्टाइलिश ही बोलोगे ना। राम विलास जी सी के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे आप, वेल डन, कहना ही क्या है भाई। ऐसे आप आंसर करते रहोगे, सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई आए बाएं वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सब अच्छे क्वेश्चन कहे जाते हैं। इम्पेकेबल, प्रेसाइज, फॉल्टलेस, फसी, हैविंग इंटीग्रिटी। इम्पेकेबल बताएं 21। उपासना, किसने 21 में कौन क्या लगा रहा, बी लगा रही है अंजलि जी, बहुत अच्छे, वेल डन, एकदम देखते ही मन खुश हो गया भाई। इम्पेकेबल, जो गलती ना करे, फॉल्टलेस हो जाएगा, शाबाश। इसी तेजी से आंसर करो भाई। चेंज द कलर, पैरामाउंट, प्रेस्टीजियस, सुप्रीम, वैल्यूएबल, अर्जेंट, किसे कहते हैं पैरामाउंट। थोड़ा इमेजिन करो कि पैरामाउंट कौन होता है। पैरामाउंट वो है जो सबसे ऊपर है, यानी सुप्रीम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पैरामाउंट कौन है, दैट इज सुप्रीम। कंचन जी, राजुल, बहुत अच्छे, वेल डन। सूर्यवंशी, क्वेश्चन नंबर 23। लाइसेंसस, इमोरल, हंगरी, गे, जेनरस। पहले आप रिप्लाई करो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। लाइसेंसस, लाइसेंसस का तो आंसर आ रहा भाई, बहुत अच्छे। पी श्रीवास्तव, अनूप, इमोरल लगा रहे हैं। देखिए समझिए लाइसेंसस का असली मीनिंग क्या होता है। लाइसेंसस का रियल मीनिंग होता है कामुक। अब ये कामुक वर्ड दो तरीके से होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव सेंस वाला होता है, मतलब जिसी को देखो उसी के प्रति लस्टी फीलिंग आ जाना, लाइसेंसस। या यूं कह लो कि आजकल तो कुछ लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, वो इतने लाइसेंसस है कि गलत काम करने का उनके पास लाइसेंस। जो नेगेटिव, जो हर व्यक्ति के प्रति काम वृत्ति रखता है, उसे हम धर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग अनैतिक मानते हैं, इसलिए इमोरल इज द राइट आंसर। गॉट इट अंजू, गुड। अंजू 23 में तुमने गलत जवाब दिया। देखिए अंजू जी ने जो गे लगाया है, वास्तव में समझिए इस गे का ऑपरेशन कर दें। गे का मतलब होता है, यदि नाउन होता है तो समलैंगिक, समलैंगिक। आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, समलैंगिक पुरुष को हम गे कहते हैं, गे है ना। और यही शब्द जब एडजेक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी, प्रसन्न यानी कि हैप्पी। अब आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस होता है। यदि हम एक सेंटेंस लिखें और हम लिख दें कि राज इज गे, इसका मतलब है कि राज प्रसन्न है, और दूसरा लिख दें राज इज आ गे, इसका मतलब है कि राज समलैंगिक पुरुष है। मतलब एक आर्टिकल का इंपॉर्टेंस, रमेश बाबू एक आर्टिकल का इंपॉर्टेंस तुम क्या जानो, ध्यान से देखो, एक आर्टिकल के इंपॉर्टेंस को समझो। ये प्रसन्न था और बेचारा आर्टिकल लग जाने से समलैंगिक पुरुष बन गया। अब आप समझिए कि ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सोच समझ करके। कई बार तो लोग आर्टिकल ऐसे तौल करके यूज करते हैं कि हाँ सही लग रहा लगा दो, नहीं लग रहा हटा दो, लेकिन आर्टिकल का इंपॉर्टेंस अब देखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां इमोरल हो जाएगा। 24 की ओर, सिमन प्योर, सिमन प्योर, फाल्स, जेन्यून, हॉली, आर्टिफिशियल।
बड़े ध्यान से देखें, सिमन प्योर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो इसी से आंसर निकालेंगे। हॉली नहीं होगा माय डियर, सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिमन प्योर का मतलब होता है वास्तविक, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जेन्यून, बी इज द राइट आंसर। कोई बी वाला दिख रहा है? थैंक यू माला पांडे। बी वाले आप दिख रहे हैं। चलो याद कर लेना, भूलना मना है। हाँ भूल गए थे, भूलना मना है एकदम। आरएस अग्रवाल पढ़ो ना, पहले से बता के लाता हूँ। देखिए लुके छिपे वाला काम ना, तो सीधे चैलेंजिंग आते हैं कि आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन है आपका। और बता दो, लाइसम, लाइसम बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिसेप्टिव, डल, ग्रेसफुल, स्लो। और जैसे मैंने अच्छा बोल दिया तो आंसर ही बता दिया। क्यों? क्योंकि वर्ड्स दो ही तरीके के होते हैं, या तो गुड सेंस या नेगेटिव सेंस। ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। लाइसम मींस होता है पतली, पतली, पतली एवं आकर्षक। आपका मन खुश हो जाएगा, पतली एवं आकर्षक, है ना? अब बताओ क्या लगाओगे, एकदम बताओ। एकदम सही आंसर है सी, ग्रेसफुल। याद रखिएगा, लाइसम एक ऐसा वर्ड है जो अच्छे सेंस में यूज किया जाता है। शी इज स्लिम, दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव। क्लियर? आज का हमारा वेकअप सेशन है। जितने लोग हैं एक बार लाइक का बटन दबा दें। और आप लोगों से एक चीज और भी मुझे कहनी है आज, और लिटरेचर सेगमेंट इसके बाद शुरू कर रहा हूं। जोरदार तरीके से थम्स अप करेंगे। और वो हमें ये कहना है कि जितने भी साथी क्लास देखते हैं, कम से कम सैटरडे के दिन एक एक सब्सक्राइबर तो अपनी तरफ से बढ़ा दिया करो। और यदि इतना करोगे तो यकीन मानिए आगामी आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है यस इतना तो करोगे ना। क्यों? भानु सिंह आ चुके हैं, गुड, थैंक यू राजुल। तो लिटरेचर सेगमेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अपने आप में एकदम नए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन लिटरेचर का स्क्रीन पर, और बहुत ही ध्यान से जवाब करिएगा। What is the most distinctive feature of an ode? It is longer than a lyre. Sorry, यहां lyre नहीं होगा, lyric होगा। It is in the form of an address. It is written in a rhyming verse form. Its subject is historical. कह रहा है कि सबसे विशिष्ट फीचर क्या है ओड का? ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं, याद रखिएगा। चलिए रिप्लाई करें। आंसर तो आ रहे हैं जोरदार, और सब लोग बढ़िया आंसर कर रहे हो। यस, करेक्ट आंसर इज बी। यह एड्रेस के रूप में होता है, ओड टू वेस्ट विंड, ये संबोधन के रूप में होता है, ये एक डिस्टिंक्टिव है। यह बात भी सही है कि ये लॉन्गर देन लिरिक होता है, लिरिक से लंबा होता है, ये बात भी सही है। पर डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इसका माय डियर? कि यह एक एड्रेस फॉर्म के रूप में होता है। और वेल डन, आपने बहुत अच्छा जवाब किया है। चाहे पूजा तिवारी जी की बात करें, प्रमोद प्रदीप जी हैं, रविंद्र पाल हैं, और अर्जुन हैं, धर्मेंद्र टेक डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, शानदार क्वेश्चन है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं जिस पार्ट पर फोकस किया गया है। कहा गया है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, व्हाट इज शैलीज मूड एज एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन फ्रॉम हिज ओड टू द वेस्ट विंड, दैट ऑफ डेस्पोंडेंसी, दैट ऑफ डाउट, दैट ऑफ होप, दैट ऑफ निगेशन। माय डियर, जब ओड टू द वेस्ट विंड में यह लाइन बोलते हैं शैली, तो उनका मूड कैसा है? और इसका मीनिंग तो आप सभी जानते हो कि अगर आज मेरे दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, और बुरे दिन बहुत लंबे नहीं होते। इफ विंटर कम्स, यदि बुरे दिन आते हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या अच्छे दिन बहुत दूर होंगे? यानी कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। और यहाँ पर ये दैट ऑफ, जिन्होंने सी लगाया है इस क्वेश्चन में, मैं आपको वेल डन बोलना चाहूंगा यदि आपका जवाब सही है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
3 of Shakespeare was written by Swinburne, A.C. Swinburne, Browning, Ben Jonson, none of these. शानदार क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन के नाम पर ही थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थम्स अप कर दिया करो, है ना। आई स्टडी ऑफ शेक्सपियर किसने लिखा है माय डियर, आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सी और ए और बी, बड़ा ही मतलब मजेदार क्वेश्चन है इसका। मतलब रिंपल की तैयारी काफी अच्छी है, वेल डन रिंपल एंड अदर्स। यहाँ पर माय डियर करेक्ट आंसर है आपका स्विनबर्न। क्या है जी, करेक्ट आंसर इन ए सी स्विनबर्न, याद रखिएगा, भूलना मत, ठीक है। और मैं उन विद्यार्थियों से कहूंगा जो हमारी इस क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं, वो समझें कि अपने आप को लाइट ले रहे हैं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। और हम आपको ये भी बता दें कि निश्चित तौर पर, देखिए एक दिन की सीरीज नहीं है ये, जो सीरीज है ये प्रैक्टिस बैच है। जो विद्यार्थी पहले कहीं कोचिंग कर चुका है, जो स्टूडेंट सेल्फ तैयारी करके अपने आप को 80+ सिक्योर कर ले रहा है, उसके लिए ये प्रैक्टिस बैच है। क्या है ये प्रैक्टिस बैच है आपके लिए, इसको बैच की संज्ञा दीजिए आप, ठीक है। और आपको इवास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर सभी लोग पेड बैच वाले भी सुन लें, क्योंकि टाइम नहीं रहता कि 10 जगह नोट्स भेजा जाए। फ्री स्टडी मटेरियल ये जो फोल्डर होगा, यहाँ पर आपको इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2022, और उसके अंदर जाओगे तो टारगेट सीरीज, वहां पर डेली, कभी लेट हो सकता है अलग बात है, नहीं तो डेली शाम को 9 से 10 बजे के बीच में इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। क्यों जी, कैसा रहेगा? देखो एससी की सीट नहीं है तो आप जनरल में कंसीडर किए जाओगे, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दोगे तो भी जनरल में कंसीडर किए जाओगे। जनरल का मतलब समझ लो क्या होता है, यही देखो इसमें रिजर्वेशन में ये चीज समझ लो, कई लोगों को समझ में नहीं आता। जनरल की सीट को कहा जाता है UR, यानी कि अनरिजर्व्ड। ये सीट सबके लिए होती है, ओपन टू ऑल होती है। थैंक यू। देखिए मैंने सबके लिए बता दिया एक साथ, चाहे जो पेड हो या अनपेड हो, हम हर बैच में इसका नोट्स नहीं भेजेंगे। और ये क्लास मेरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कहीं भी कोचिंग पढ़कर या सेल्फ स्टडी कर अपना लेवल मेंटेन किया है, दे शुड एवेल्युएट देमसेल्व्स। आइए नेक्स्ट, विलियम मॉरिस वॉज अ फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज, रोमांटिक इरा, विक्टोरियन इरा, मॉडर्न इरा। क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है और मैं यहां पर आपके आंसर देखूंगा कि कौन इसमें जवाब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, थैंक यू अंजलि श्रीवास्तव। मॉडर्न ए, सी लक्ष्मी त्रिपाठी, वेरी गुड भाई। लक्ष्मी त्रिपाठी जी झांसी से क्लास देख रहे हैं और है ना, तो लक्ष्मी जी के लिए जोरदार तरीके से फूल पत्ती भेजो। ये जो विलियम मॉरिस हैं, ये मिड विक्टोरियन इरा के ऑथर हैं और मिड विक्टोरियन इरा को बिलोंग करते हैं। यहाँ सी आंसर है और ऐसे क्वेश्चन का जवाब वही देगा जो डीप पढ़ा होगा। यहाँ पर झोलबाजी नहीं चलेगी, रिंपल का जवाब भी सही है। जिनका जवाब गलत है वो इस चीज को रियलाइज करें कि यस, लक्ष्मी जी हमारी ओल्ड स्टूडेंट हैं और पिछले टीजीटी में इनका 2-4 क्वेश्चन से ही रुका था। और इस बार मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि लोग बिगाड़ने वाले भी तो बहुत हैं दुनिया में, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, सीट भले ही कम है तो भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अनूप जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, End of 100 years war happened in 1543, 55, 42, 88. 100 year war ka ant, history of English literature. Bataiye phadapad. Question number 5. Raymond, aaj pariksha teri, Anjali Srivastav ka jawab sabse pehle. Well done Anjali. Bhai inke liye bhi phool patti bhejiye. Anjali Srivastav ji, ye sab superstar hai hamare batch ki, jaan lo.
और आपको एक मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आपका समय ले रहा हूं, आप कह सकते हो कि एक मिनट किल कर रहा हूं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो मेरी प्रैक्टिस में अच्छा कर जाएगा, समझो कि उसका कल्याण होना तय है। अगर मैंने कहा दिल से बिना किसी स्वार्थ के कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, बट आप पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब वो लोग हैं कि जो सिलेक्शन देने वाले हैं। Wycliffe's Bible appeared in, लीजिए क्वेश्चन, 1350, 1380, 1355, 1320। Wycliffe का बाइबल, जो Wycliffe ने ट्रांसलेट किया था बाइबल को इंग्लिश में, वो कब अपीयर हुआ था? प्यारे साथी अच्छा आंसर दे रहे हैं, मन खुश हो जा रहा है। 1380, well done, superstar, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, गजब, एकदम सही आंसर है। एक बार थोड़ा फूल पत्ती भी तो भेजते जाओ, चीयर अप करते जाओ, शांत हो जाते हो नंबर वन में भेजने के चक्कर में, क्यों ममता जी? सी नहीं होगा ममता, ममता जी सी नहीं होगा, क्यों कंफ्यूज हो रही हो? राजुल गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 7, द पेंटेड वेल इज अ एन नॉवल, ओड, सोनेट, नन ऑफ दीज। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कह रहा कि पेंटेड वेल ये क्या है, एक नॉवल है, ओड है, सोनेट है, या कोई भी नहीं इनमें से? और यहां पर प्रदीप जी आंसर कर रहे हैं कि ए होगा, अन्ना रानी कह रहे हैं कि ये नॉवल है, क्या इस नॉवलिस्ट का नाम भी बता सकते हो? अगर नॉवल है तो क्या नॉवलिस्ट का नाम बता सकते हो? देखते हैं कौन बता सकता है, एनीवन, कैन यू? यस, नॉवल आंसर आ रहा है कि नहीं? नहीं तो सॉरी लिख दिया करो। एकदम सही आंसर है नॉवल, वेरी गुड। और सॉरी का आ चुका है भाई, तो ये समरसेट मॉगम, यस आशीष गुप्ता, वेल डन सुपर, समरसेट मॉगम ने लिखा है ये नॉवल माय डियर। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो बताएंगे कि हाँ आपने मेहनत की है, आपने लेट नाइट स्टडी की है, ये वो इवेल्युएशन चल रहा है, वेरी गुड अनुभव पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में हटके रहता है, और ये है ये अलग ही स्टाइल का क्वेश्चन है। टेलर्स डेथ हैपेंड व्हेन मिल्टन्स अपीयर्ड, टेलर की डेथ उस वर्ष हुई थी जिस वर्ष मिल्टन का क्या आया था? एरोपेगिटिका, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसिडस। तो या तो आपको ये पता हो कि टेलर की डेथ कब हुई थी, और नहीं तो फिर सॉरी लिख दोगे, है ना, या तो फिर तुक्का मारोगे, दो में से एक ही काम करोगे। भानु प्रताप कह रहे हैं कि एरोपेगिटिका, 1644, यस यस माला पांडे, और एक के साथ जा रहे हैं, दिलीप सूर्यवंशी लिख रहे हैं, माय डियर द करेक्ट आंसर इज बी, पैराडाइज लॉस्ट। 1667 में टेलर की डेथ होती है और उसी वर्ष अपीयर होता है आपका पैराडाइज लॉस्ट, आता है, पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट 1667। क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं बताओ भाई? हमारी मेहनत तभी सफल है जब आप लोग खुश होकर के कह दो कि यस सर, है क्यों ममता जी? कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, डोंट वरी, पैराडाइज लॉस्ट, यस, थैंक यू अंजलि एंड अदर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवेल, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इम्मा, मैन्सफील्ड पार्क, ये चारों के चारों जेन ऑस्टिन के नॉवेल हैं, पहला कौन सा है, जवाब करें। और सबसे तेज आंसर आ रहा है नितिन वाजपेयी, कीर्ति शुक्ला, लक्ष्मी जी आंसर गलत कर दिया क्या आपने? डांटूंगा, रुको थोड़ा सा चेक तो करने दो मुझे। हाँ लक्ष्मी जी का आंसर गलत हो गया माय डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब गलत मत करना। और एक बात और अच्छे से सुन लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, आप देखो टेक्स्ट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, एंड आई'ल अमेंड इट, बिकॉज माय ईगो
इज नॉट मोर देन योर फ्यूचर। कुछ लोग इतने युगो वाले टीचर भी हैं, कहना नहीं चाहिए कि अगर वो एक बार गलत पढ़ा दिए तो कहेंगे यही सही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया लगे कि नहीं ये गलत है, तो आप प्रूफ दीजिए, उसके अगेंस्ट कुछ मुझे टेक्स्ट दीजिए और मैं उसे अमेंड करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड कैंटू इज डिराइव्ड फ्रॉम कैंटस मींस। थोड़ा संभल करके जवाब दीजिएगा, मैं अपना सेलफोन हाथ में ले लेता हूं कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ब्रेक एक्ट सॉन्ग 10 में अभी तक ए आंसर आ रहा है आनंद राजपूत। कहां छिपे थे आनंद? बी आंसर आ रहा है अन्नु का, और ए आंसर एक्ट आ रहा है पार्ट ए सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट पब्लिश नेवर बाय एस्टन। देख लेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर माय डियर हमारे प्यारे साथी ऑप्शन लगा रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि एक लैटिन वर्ड है ये, और लैटिन वर्ड है ये आपका, और इसका मतलब होता है सॉन्ग। सभी के आंसर गलत हैं, डी आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, द वर्ड कैंटू इज डिराइव्ड फ्रॉम कैंटस। कैंटस शब्द से कैंटो लिया गया, और जिसका रियल मीनिंग होता है लैटिन है सॉन्ग। अब आप कहोगे कि गुरुजी कैंटो का मतलब तो सर्ग होता है, सर्ग बराबर छे कांड, कांड मतलब अच्छे शब्द में समझना, ठीक है, सुंदर कांड जैसे ऐसे करके है। तो ये एक खंड होता है, ये पार्ट तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। एक्चुअल में जो चीजें पहले सॉन्ग के रूप में कही जाती थी, और बहुत लंबा जब सॉन्ग हो जाता था तो उसे कैंटस से कैंटो बना दिया गया। तो आज की डेट में तो आप कह सकते हो कि सेक्शन, यस सेक्शन, कांट मतलब कैंटो क्या है, सेक्शन है। बट सीधे सीधे लिखा है कि द वर्ड कैंटो इज डिराइव्ड फ्रॉम कैंटस, और कैंटस का मीनिंग क्या है, तो कैंटस का मीनिंग सॉन्ग होता है। गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप परीक्षा में गलत नहीं होगा, इसलिए एक बार थम्स अप कर दो प्यार से। ऑप्शन वही है जो आपको कंफ्यूज करे। माय डियर जो भी हमारे साथी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर 9451464500 पर लिख करके, ज्वाइन टीजीटी पीजीटी लिख करके सेंड कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस बैच में जो कि मंडे से यानी कि कल संडे है और परसों से स्टार्ट हो रहा है द डे आफ्टर टुमारो, इसमें हम आपको कंप्लीट लिटरेचर, कंप्लीट लैंग्वेज यानी कि ग्रामर सेक्शन, वोकैब और कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ में स्पीड टेस्ट, एवरी टॉपिक यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट भी कम से कम 10 कराएंगे। तो यदि ये सब आप चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी में, और ऐसी फी की जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, व्यक्ति में समस्या दो तरीके की होती है, एक होती है उसकी मेंटलिटी की प्रॉब्लम, एक होती है मनी प्रॉब्लम। तो मनी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम आड़े नहीं आएगी, क्योंकि मैंने टीजीटी पीजीटी में इतनी कम फीस कर दी है कि आप कहोगे कि मनी प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, मेंटलिटी अगर ऐसी बनी हो कि नहीं हमें पेड बैच नहीं करना है, दैट्स अनदर थिंग। बट यदि 1% भी आपके अंदर ये डिजायर है कि हमें कोर्स करना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहिए, पर आपका यदि फेथ मेरे ऊपर बन रहा हो, यू में कंसल्ट। नंबर एक बार नोट कर लें, 9451464507। उन लोगों की पढ़ाई जिनकी काफी समय से कंटिन्यूटी नहीं है, उनके लिए बैचेज बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। टेक केयर, थैंक यू।